पुत्र रतन की चाह ने राजस्थान के रहने वाले एक शख्स व उसकी महिला साथी को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर सो रहे एक खानाबदोश परिवार की 2 वर्षीय बच्ची को लड़का समझकर उसे चोरी करने के आरोप में सलाखों के पीछे भेज दिया। दरअसल राजस्थान के रहने वाले रोहतास नाम के शख्स की शादी 7 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन कोई औलाद नहीं हुई। आरोपी ने रेवाड़ी के मॉडल टाउन में रहने वाली अपनी पहचान की गीता नाम की महिला से संपर्क किया और उसे रेलवे स्टेशन ले आया। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ सो रही थी। आरोपी रोहतास ने गीता को 20,000 देने की बात कहकर सो रहे बच्चे को चुराने की बात कही, तो गीता वहां सो रहे एक बच्चे को चुरा कर घर ले गई। लेकिन घर जाकर देखा तो बच्चा लड़का नहीं लड़की थी, जिसे रात को वह स्टेशन छोड़ने आ रही थी। तभी सुबह से बच्ची को तलाश कर रही रेलवे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बाद में आरोपी को भी पुलिस ने धर दबोचा और बच्ची को उसकी माँ को सौंप दिया है। लेकिन देश भर में मॉडल स्टेशनों में सुमार रेवाड़ी जंक्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे खराब होने से वारदातें बढ़ती जा रही हैं। फिर भी रेलवे विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, यह तो सरासर लापरवाही ही है। पूर्व में भी रेवाड़ी स्टेशन से 5 बच्चे अगवा कर लिए गए हैं, जिनमें से पारुल और लक्ष्मी को ही पुलिस तलाशने में सफल रही। अभी भी बाकी 3 बच्चों का कोई सुराग नहीं लगा है। प्लेटफार्म नंबर एक रेलवे स्टेशन रेवाड़ी से एक 2 साल की बच्ची गायब हो गई है, जो सूचना मिलने पर हमने तत्परता से एफ आई लॉज करके अपनी 4 टीमें बनाई, जिसमें एक CIA की टीम और 3 टीमें थाने से तैयार की गई और बच्ची को तलाश करने के लिए CCTV फुटेज की इमदाद ली गई, अपने गुप्तचर लगाए गए। तो हम तलाश करते हुए काफी पूरे शहर में रेकी कर रहे थे, होटल पार्क वगैरह सभी जगह पर। रात के समय हमें एक औरत एक बच्ची को लेकर आती हुई नजर आई, तो हमें शक हुआ कि यही हो सकती है। तो हमने देखा वहां रेलवे स्टेशन के बिल्कुल प्लेटफार्म के नजदीक बैक साइड में जो हमारा रेलवे स्टेशन का गेट है वहां की बात है। तब उसको बच्ची को वो नीचे उतार रखी थी, हमने उस बच्ची को देखी तो वही बच्ची मिली। उस औरत से सख्ताई से पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरे को एक और रोहतास नाम का व्यक्ति है, उसने कहा था कि प्लेटफार्म नंबर एक पर मेरे को जगह दिखाकर लाया था कि ये परिवार सोया हुआ है, इसके पास 3-4 बच्चे भी सोए हुए हैं। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं और मेरे कोई बच्चा नहीं है, इनमें से ये लड़का है कि इस लड़के को उठा लेना, मैं तेरे को 20,000 रुपये दे दूंगा और मैं इस बच्चे को पाल लूँ। तब ये उठा दौरान इन्वेस्टिगेशन पता चला कि भाई ये उठाने के बाद कमरे पे सुबह मॉर्निंग 5 बजे बता रहे हैं इन्होंने 5 बजे उठाया था, और फिर ये अपने कमरे पर ले गए, वहां पर देखा तो लड़के की जगह ये लड़की मिली, तो इसी कारण ये वापिस ही आज स्टेशन पर छोड़ने आ गए थे। तो हमें इनको अरेस्ट कर लिया, लड़की औरत को भी गीता नाम की औरत को अरेस्ट कराया और जो दूसरा रोहतास नाम का उसको भी अरेस्ट किया है। तो बाकी अभी और इन्वेस्टिगेशन जारी है।